भागलपुर में भी है, आइए मिलेंगे यहाँ के जो अध्यक्ष हैं उनसे पूछेंगे। हाँ सर, आज आपका बताएंगे। अनिल कुमार यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी संभाल। तो आज जो फोरम हो सर आपका, जो बताएंगे आज के फोरम। प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या के समाधान की मांग पर समाजवादी पार्टी जिला इकाई संभलपुर के माध्यम से महामहिम राज्यपाल उड़ीसा को राज्य बेरोजगारी की मांग, बढ़ती बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए 10 सूत्री ज्ञापन सौंपा है। लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव आयोजित एवं संवाददाता सम्मेलन में 10 सूत्री ज्ञापन के माध्यम से उड़ीसा के महामहिम राज्यपाल के ध्यान को आकर्षित किया है। राज्य में बढ़ती बेरोजगारी चरम सीमा पर है, बेरोजगारों के लिए शिक्षित युवा दर दर भटक रहा है। इसी स्थिति में राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने के बदले में मुफ्त तो छाता, जूता और कालिया जैसी योजनाओं में कल सरकारी योजनाओं के 1000 करोड़ खर्च कर रहे हैं। उड़ीसा में दूसरे राज्यों में प्रवासी श्रमिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सरकार के आंकड़े के हिसाब से 2007 में उड़ीसा में 55,000 प्रवासी श्रमिकों की तुलना में 2015 में 1.46 लाख बेरोजगार श्रमिक ने उड़ीसा छोड़कर दूसरे राज्य में गए। 2021-22 में यह आंकड़ा 21 लाख पार कर गया। वास्तविक संख्या के आधारित अनुमान से बहुत अधिक होगी, क्योंकि उनमें से केवल एक छोटा सा प्रतिशत पंजीकृत किया है। राज्य सरकार की अलग अलग विभागों में खाली पड़ी लगभग 31 लाख पद खाली है। जमीनी स्तर पर खाली पड़े 4 लाख सरकारी पद पर तुरंत नियुक्ति दे माननीय मुख्यमंत्री उड़ीसा प्रशासन कर रहे हैं। उनके कार्यकाल के दौरान राज्य में औद्योगिक विद्युत भूमि का बहुत विकास हुआ, लेकिन उसी हिसाब से राज्य में बेरोजगारी की संख्या को कोई हल नहीं निकला। राज्य के बाहर जीवन यापन करने वाले 80% लोग मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और श्रमिक सरकारी योजनाओं से वंचित हैं। असंवैधानिक प्रदेश की रिक्त 1.21 लाख सरकारी पदों पर तत्काल नियुक्ति प्रदान करे राज्य सरकार। 2, पड़ोसी दिल्ली सरकार द्वारा घोषित योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक सरकार के प्रत्येक बेरोजगार स्नातक 5,000 रुपया और स्नातक को 7,000 रुपया का मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान करे सकते। 3, असंगठित क्षेत्र में नियुक्ति की मांग पैदा करे राज्य सरकार। 4, शहरी क्षेत्र में रोजगार के लिए EMSEMEE की प्रतिबद्धता दे सरकार। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के मनरेगा योजना के भ्रष्टाचार मुक्त और लोकाभिमुखी बनाए राज्य सरकार। राज्य में बंद पड़े लघु एवं मध्यम वर्ग के सारे उद्योगों को पुनः उद्धार के साथ स्थानीय रोजगार के युवाओं को योग्यता के आधार पर रोजगार प्रदान करे सरकार। थैंक यू सर। अभी हमने सुने संबलपुर के जो अध्यक्ष, उन्होंने कहा अब सर मिलते हैं, आइए सर आपका पूरा परिचय देंगे। प्रदीप मिश्रा, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी। सर आज इन्होंने जो मांगे रखी हैं सर, उसके बाद आप क्या करना चाहेंगे, ये सरकार मानती नहीं मानती? देखिए, हम लोगों ने एक महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे हैं महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ। ये बढ़ती महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी यहाँ का जीना हराम करके रखा है साधारण मध्यम परिवार लोगों का। तो अगर ये मुद्दा जो उठा है पूरा देश में अभी चरम सीमा पर है। हम इस आप लोगों के मीडिया के माध्यम से पूरा राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार आगाह करना चाहते हैं, आने वाले समय पर अगर ये मुद्दा हल नहीं हुआ, पूरा शिक्षित नौजवान पूरा देश भरे का आंदोलन करेगा, जिसका आने वाला समय पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा सरकार पर, जो केंद्र सरकार को इसका मुआवजा देना पड़ेगा। चलिए सर, वो अभी हमने भी सुना कि वो भी कहते हैं यदि नहीं होता है आगे बहुत भी और आंदोलन होगा, इसका सारा का सारा जिम्मेदार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों होंगे, क्योंकि जब तक ये लोगों खाली बातें तो बड़े बड़े काम कम, खाली अपना लुभाना काम करते हैं, उनको देश की चिंता नहीं, इसीलिए आज उन्होंने ये कार्यक्रम किया। हाँ सर, आपका पूरा नाम बताएंगे एक बार। मेरा नाम मोहम्मद अख्तर, अल्पसंख्यक राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी। थैंक यू सर, आपका एक बार। जी सर, अभी हम आइए मिलते हैं कुछ लोगों से। हाँ सर, आपका नाम बताएंगे। मनीष गोप, समाजवादी पार्टी। थैंक यू। आप अभी हम सब कार्यकर्ता में से एक एक कार्यकर्ता जो है इनका 100 के बराबर, 1000 के बराबर,
बस अभी आए हैं। अब आने के बाद अब यदि सरकार नहीं बनेगी तो हर कार्यकर्ता जो रो रास्ते में आ जाएंगे और सरकार से अपनी जरूर मांगे पूरी करेंगे। समाजवादी पार्टी जो हमेशा लड़ती रहती है यूपी में हर तरफ इनके है, और ये भी चाहते हैं हम अपने पार्टी को आगे से आगे बढ़ाएंगे, आगे ज़्यादा से ज़्यादा नाम इनका उज्ज्वल करेंगे। आपकी आवाज़ संबलपुर, जसवीर सिंह की रिपोर्ट।